नमस्कार, ट्राई सिटी का खबरनामा में आपका स्वागत है। हम अर्थ प्रकाश टीवी पर आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आपको हम रोजाना शाम के समय जो अहम खबरें चंडीगढ़ और आसपास के इलाके में, चंडीगढ़ के साथ लगते प्रदेशों में और देश राष्ट्र स्तर पर जो मुख्य खबर होती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा की खबर से। काफी दिनों से ये खबर वैसे तो चल रही है, खासतौर पर जो घोटाले हरियाणा में चल रहे हैं और जिस तरह से उनके ऊपर अब लगातार कार्रवाई भी हो रही है, तो खासतौर पर जो मामला इस समय चर्चा में है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एक अधिकारी की रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने का जो मामला है वो है। और उसमें जो तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ये काफी व्यापक, काफी बड़ा घोटाला है। उस मामले में आज जो अधिकारी जिसको विजिलेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने गिरफ्तार किया था, अनिल नागर और उनके साथ दो उनके साथी और थे, अश्विनी कुमार और नवीन, इन तीनों को आज पंचकूला में अदालत में पेश किया गया और इनको आज तीनों को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले अनिल नागर को पिछले चार दिन से पुलिस पूछताछ कर रही थी, वो पुलिस रिमांड में थे। उसी के आधार पर बाद में अश्विनी और नवीन को भी हिरासत में लिया गया था। ये दोनों भी एक दिन के पुलिस रिमांड में थे, विजिलेंस के रिमांड में थे। और उसके बाद इनसे बातचीत होने के बाद, इनसे पूरी पूछताछ होने के बाद आज जब इन्हें अदालत में पेश किया गया तो वहां से इन्हें जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया। जो शुरुआती जानकारी निकल कर आ रही है तो वो उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अनिल नागर है वो HCS अधिकारी हैं, हालांकि बहुत सीनियर नहीं है लेकिन काफी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। उनका रंगे हाथों पकड़ा जाना, बाकायदा रिश्वत की डिमांड करते हुए, रिश्वत के बारे में बात करते हुए उनका काबू में आना दर्शाता है कि मामला कितना गंभीर है। अब तक पुलिस इस मामले में 3,60,00,000 रुपए रिकवर कर चुकी है। तो ये पूरा मामला जो है अब इसकी जांच चल रही है और देखना यह है कि इस जांच में आगे क्या निकल कर आता है। सिर्फ ये तीन लोग ही इसमें इन्वॉल्व होंगे ऐसी बात नहीं है, और भी नाम सामने आ सकते हैं आने वाले समय में। कब तक आते हैं ये देखना होगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि ये सारा का सारा उच्च स्तर पर जो लोग बैठे हैं उन सबकी मिली भगत से हो रहा है। खासतौर पर जिस तरह से अनिल नागर को महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स दी जाती रही हैं और उसको काफी हद तक जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, गठबंधन सरकार है, उसके नजदीक माना जाता है और उसका इस तरह से इस मामले में इन्वॉल्व होना वो सीधे सरकार की तरफ उंगली उठाता है। आज इस मसले को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस पूरे घोटाले को व्यापम घोटाले से भी, जो कि मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा घोटाला अब तक रहा है, उससे बड़ा बताया है। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप आज सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पर्ची और खर्ची की बात करते हैं और कहते हैं कि पर्ची और खर्ची को समाप्त कर दिया गया है, जबकि ये तो अब अटैचियों की सरकार हो गई है, रुपयों की अटैचियों की ये सरकार बन गई है। अब तक कुल सुरजेवाला के मुताबिक 32 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें या तो पेपर लीक हुए हैं या कहीं ना कहीं कोई भर्ती का घोटाला हुआ है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि हरियाणा में इस वक्त, चाहे वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, लगातार संदेह के घेरे में है। और इससे पहले विपक्ष ये मांग भी कर चुका है, बाकायदा राज्यपाल को इस मामले में लिखा जा चुका है कि वो इन दोनों जो बॉडीज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, इनको भंग करें और नए सिरे से वहां पर चयन हो, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस के मुताबिक और विपक्ष के मुताबिक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। तो ये मामला हरियाणा का था। उसके बाद अब हम आ जाते हैं चंडीगढ़ पर। चंडीगढ़ में अब इलेक्शंस के ऊपर जो किसी भी तरह की कोई भी संदेह की स्थिति थी अब वो साफ हो गई है। 24 दिसंबर को चुनाव होना तय हो गया है। हालांकि कल इस मामले में सारी की सारी जानकारी राज्य चुनाव आयोग द्वारा दे दी गई थी, लेकिन एक मसला अटका हुआ था और वो था, ये मामला अदालत में था। अदालत में इन चुनावों की वैधता को लेकर चुनौती दी गई थी, खासतौर पर जिस तरह से परिसीमन हुआ था और परिसीमन में जिस तरह से 2011
कि जो सेंसस के फिगर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था उसके आधार पर, लेकिन आज इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी चुनावों पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अदालत का, हाई कोर्ट का ये कहना है कि अब इस मामले में काफी देरी हो चुकी है, इतनी इस समय पर आकर रोक लगाना ठीक नहीं रहेगा और ऐसे में अब ये चुनाव जो है वो 24 दिसंबर को होंगे, 27 दिसंबर को रिजल्ट्स जो है वो आ जाएंगे और जैसा कि सबको मालूम है कि 30 दिसंबर से पहले पहले चंडीगढ़ में ये चुनाव प्रक्रिया जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस की वो पूरी की जा रही है। पूरी टाइमलाइन हम आपको बता दें, ये जो चुनाव है उसके लिए 27 नवंबर से नॉमिनेशंस भरने का काम शुरू हो जाएगा, 4 दिसंबर तक ये जारी रहेगा, 6 दिसंबर तक इसकी स्क्रूटनी होगी और 9 दिसंबर तक अगर कोई नाम वापस लेना चाहेगा तो वो अपना नाम वापस ले सकता है। कुल मिलाकर 9 से लेकर 24 तक करीब 15 दिन का समय प्रत्याशियों के पास रहेगा पूरी तरह से अपने आप को इस प्रचार में झोंकने का। जहां तक वोटर्स का सवाल है तो करीब 6,30,000 के आसपास वोटर्स चंडीगढ़ में हैं, जिनमें 3,00,000 महिला वोटर हैं और 3,30,000 के आसपास पुरुष वोटर हैं। कुल 35 वार्ड्स आपको मालूम है कि यहां पर 35 वार्ड्स में चुनाव लड़े जाने हैं। पहली बार चंडीगढ़ के जो गांव हैं उनको भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा बना दिया गया है, इसीलिए संख्या जो है वो बढ़कर 26 से 35 हो गई है और इसके लिए कुल 694 पोलिंग बूथ्स जो है वो पोलिंग स्टेशंस वो बनाए जाने हैं। तो इस तरह से चंडीगढ़ में इन चुनावों के लिए अब तैयारियां पूरी हैं। हालांकि किसी भी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा नहीं की है, आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर एक घोषणा हुई है और माना जा रहा है कि वो कैंडिडेट्स ही, हालांकि उन्होंने उनको कैंडिडेट्स नहीं कहा है, उनको वार्ड इंचार्ज का नाम उन्होंने दिया है, लेकिन समझा ही जा रहा है कि यही जो वार्ड इंचार्ज होंगे उनके 10 स्थानों पर ये उनके कैंडिडेट भी होंगे। बाकी बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है, ना ही अभी तक बाकी लोगों ने, इसके अलावा काफी संख्या में इंडिपेंडेंट्स भी मैदान में रहेंगे लेकिन उसके बारे में तब पता चल पाएगा जब जो बीजेपी और कांग्रेस या बड़ी पार्टियां जो है वो अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करती हैं। श्रोमणी अकाली दल भी मैदान में है और उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स डिक्लेयर भी किए हैं। तो इस तरह से ये पूरा मामला है चंडीगढ़ इलेक्शंस का, जिसके बारे में हम रोजाना आपके साथ बात करते हैं, रोजाना हर वार्ड की रिपोर्ट आप तक लगाते हैं, वहां के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, वो भी आप हमारे फेसबुक लाइव में देखा करते हैं। ये सिलसिला हमारा आने वाले समय में भी जारी रहेगा और एक अच्छी खबर जो चंडीगढ़ से ही है और जिसके लिए जिसका जो असर है वो पूरे देश पर रहने वाला है, वो ये है कि जो बच्चों के लिए कोविड की जो वैक्सीन है उसका ट्रायल चंडीगढ़ में शुरू हो गया है और कोवावैक्स, जिसे आप जानते हैं कि ये 2 साल की उम्र से लेकर 17 साल तक के बच्चों को लगाने वाली ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन पीजीआई में 8 बच्चों को फिलहाल लगाई गई है ट्रायल के तौर पर। कुल मिलाकर 100 बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं पीजीआई के, जो जिनकी देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टर मधु गुप्ता, उनका कहना है कि 2 से 17 साल के बच्चों के लिए ये वैक्सीन बननी है लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ में 2 से 11 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई गई है। जो 100 बच्चे हैं उनमें उम्मीद करते हैं कि और बच्चों, ज्यादा उम्र के बच्चों को भी लगाई जाएगी और इसके लिए ट्रायल चल रहा है। कुल मिलाकर पहली डोज जिस दिन लगेगी 22वें दिन दूसरी डोज लगेगी और ये एक रैंडमाइज ट्रायल है, कुछ बच्चों को वैक्सीन लगेगी और कुछ बच्चों को प्लेसिबो यानी कि जिसपे कोई भी दवा नहीं होगी, इस तरह का इंजेक्शन लगाया जाएगा, उसके आधार पर इस ट्रायल के नतीजे जो है वो निर्धारित होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रायल सफल होगा और एक बार भारत इस मामले में भी आगे निकलेगा और ये वैक्सीन अगर पीजीआई का ये ट्रायल सफल रहता है तो बाकी जगह पर भी ये ट्रायल चल रहा है तो बड़ी आसानी के साथ हम जो अपनी यंगर जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी हम वैक्सीनेट कर सकेंगे और बच्चे
आसानी से स्कूल भी जा सकेंगे और तो एक अच्छी डेवलपमेंट इसको कहा जा सकता है। तो हमारी आज की ये थी कुछ खास खबरें। इसी तरह के कुछ खास खबरों के साथ हम आपके साथ रोजाना मिला करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारा अर्थ प्रकाश टीवी देखते रहिए और बाकायदा इसके लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।